नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आज दुर्गाष्टमी के अवसर पर भक्तजन माता के दरबार पहुंच रहे हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही साथ उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। बता दें कि ऐसे में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव भी माता के दरबार पहुंचे और मां के दरबार में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। बता दें कि विभिन्न विभिन्न स्थलों पर जाकर रीतलाल यादव ने पूजा पाठ की और साथ ही साथ भगवान से आशीर्वाद भी मांगा है। बता दें कि पिछले बार कोरोना की वजह से दुर्गा पूजा के जो है उस पर रोक लगा दी गई थी। कहा गया था कि पंडाल नहीं लगाना है और साथ ही साथ मेले पर भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से पूजा पंडाल लगाने की अनुमति दी गई है और यही वजह है कि विभिन्न विभिन्न जगहों पर पूजा स्थल पर जो है माता का दरबार सजा हुआ है, जो पंडाल लगा हुआ है और लोग जाकर पूजा पाठ भी कर रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें निकल कर सामने आई है आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की, जब वो भी माता के दरबार पहुंचे, माता के चौखट पर पहुंचे, अपने माथे को उन्होंने टेका और साथ ही साथ माता से आशीर्वाद भी मांगा है। बता दें कि आज महाअष्टमी है, ऐसे में हर कोई माता के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहा है। तस्वीरें निकल कर सामने आई है जब आरजेडी विधायक रीतलाल यादव भी माता के दरबार पहुंचते हैं। ऐसे में किस तरह से ये पूजा अर्चना की गई है, किस तरह से रीतलाल यादव ने माता की पूजा में वो शामिल हुए और साथ ही साथ क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी है, ऐसे में पूरा देश माता की प्रार्थना कर रहा है, उनकी भक्ति में लीन हो चुका है। ऐसे में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव भी विभिन्न विभिन्न जो है धर्मस्थल पर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की है। क्या कुछ कहना है रीतलाल यादव का, किस तरह से माता के दरबार पहुंचकर उन्होंने भक्त जनों से और बिहार की जनता के सामने अपनी बातें रखी है, छोड़े जाते हैं आपको पूरे वीडियो के साथ। चला रहा है जो भी यहाँ का कमेटी है, कोषाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, गार्जियन अभिभावक है, माता बहनों सभी को मैं अपने तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं चाहूंगा कि जब से हमारे धरती पर उतार उत्पात मचाने वाला, जब भी पूर्ण ऐसा सू जैसा व्यक्ति पैदा लिया और धरती को दुआया, तो हमारे माता के रूप में, संहार के रूप में ये धरती पर आए और हमारे जैसे आप जैसे माताओं बहनों भाई बंधु रक्षक के रूप में खड़े हुए हैं और हमेशा अपने तरफ से इन्होंने आशीर्वाद दिया है कि स्वाभिमान के लिए सब कुछ करो, स्वाभिमान रचना है, किसी के प्रचार स्वाभिमान में कहीं कहीं अगर जो किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का झांकने का कोई काम करता है तो मेरे तरफ से तुम्हारे पर हर तरह का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और तुम इसी रूप में चलोगे जिस रूप में हम शुरू से करते आए हैं। धन्यवाद।